राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर लगातार केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अब अपने ताजा बयान में राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को धूल चटाई है, उसी तरह से तेलंगाना और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस भाजपा को हराएगी। राहुल गांधी ने कहा कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि देश के लोग भाजपा की नफरत भरी विचारधारा को हराएंगे। वाशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को के बाद राहुल गांधी न्यूयॉर्क में पहुंचे, जहां शनिवार को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में यह करके दिखाया है कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। हमने न सिर्फ भाजपा को हराया बल्कि उसे धूल में मिला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने सारे उपाय किए, उनके पास मीडिया था, हमारे मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसे थे, एजेंसियां थी, लेकिन उसके बावजूद हमने उन्हें हरा दिया। मैं बताना चाहता हूं कि अब तेलंगाना के चुनाव में भी हम उन्हें हराएंगे। राहुल गांधी रविवार को ही मैनहट्टन में एक रैली भी करेंगे। न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद तेलंगाना में भाजपा को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय मूल के समुदाय के अलावा न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स भी मौजूद थे। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हम कर्नाटक जैसा प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि इस साल के अंत में भारत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले ये विधानसभा चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।